सर्व कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लिए आक्रोश रैली निकाली। रोहतक में जुटे कर्मचारी, रोहतक में कर्मचारियों का ऐलान, प्रदेश के कर्मचारी संगठन करेंगे आंदोलन। 16 को किसानों के भारत बंद में शामिल होने का ऐलान। आंदोलन के लिए 9 फरवरी को बैठक होगी। कौशल निगम को रोजगार का भत्ता स्वरूप बताया। रोहतक की नई अनाज मंडी में सर्व कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय आक्रोश रैली में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने बिगुल फूंक दिया है। साथ ही सर्व समिति से 16 फरवरी को आयोजित होने वाले भारत बंद आंदोलन में भागीदारी का ऐलान कर दिया है। 13 तारीख को किसान आंदोलन शुरू होगा, उसके बाद 16 फरवरी को कर्मचारियों ने कहा है कि पुरानी पेंशन आंदोलन किसानों के साथ ही मिलकर लड़ेंगे।